हेलो स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फिफ्थ पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का फिफ्थ पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंड इन दिस फिफ्थ पार्ट आई विल एक्सप्लेन रूल नंबर थ्री और इस फिफ्थ पार्ट में मैं आपको रूल नंबर थ्री एक्सप्लन करूँगा एंड वट इज़ द रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री क्या है देखिए कि दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एंड अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट पास्ट में एक अनफुलफिल्ड एक्शन जो होता है यानि पास्ट में एक ऐसा एक्शन जिसको पूरा नहीं किया जा सका उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है तो इसमें किस तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका पैटर्न यहाँ पर मैंने आपको समझा है तो पैटर्न में इफ़ आता है फ फिर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये जो सब्जेक्ट प्लस हैड फॉर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है तो ये पैटर्न में क्या आएगा इफ इफ के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके बाद दर्स है अगर कुछ तो वो आ जाएगा फिर कॉमा लगा के इसका जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का मतलब जो आपका क्लॉज है दूसरा वो लिखोगे आप और वो क्या है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर प्लस अदर्स इस तरीके से एक पैटर्न है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करोगे लेकिन ये पैटर्न आपका चेंज हो सकता है कैसे चेंज हो सकता है कि जो पार्ट बाद में है कि सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर्स ये आप पहले भी रख सकते हो और इफ़ वाला जो पार्ट है वो बाद में भी रख सकते हो इस तरीके से भी इसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपने देखा एक सब्जेक्ट ये आ रहा है और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो दोनों ही सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट कुछ और है और दूसरा सब्जेक्ट कुछ और यानी दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों सब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं और दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं तो ये एक पैटर्न था इस पे ध्यान दीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा फाइव सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दूंगा उनको आप खुद बनाइएगा तो देखिए एग्जाम्पल्स ने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अगर मैं गद्दारों को पहचान जाता तो मैं उनसे दूर रहता अगर मैं गद्दारों को पहचान जाता तो मैं उनसे दूर रहता तो ये जो सेंटेंस है इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि अगर मैंने गद्दारों को पहचान लिया होता तो मैं उनसे दूर रहता इस तरीके से भी आप बोल सकते हो अब ये सेंटेंस जो इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट होगा वो क्या होगा इफ़ आई हैड रेकग्नाइज द ट्रेटर्स इफ़ आई हैड रेकग्नाइज द ट्रेटर्स आई वुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम देम अगर मैंने ट्रेटर्स को पहचान लिया होता तो मैं उनसे स्टेड अवे यानी दूर रहता हूँ ठीक है इस तरीके का सेंटेंस है कि इफ आई हैड रेकग्नाइज द ट्रेटर्स आई वुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम देम इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि आई वुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैम फ आई हैड रेकग्नाइज द ट्रेटर्स सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में कि अगर गरीबों को शिक्षा का महत्व पता होता तो कोई भी अशिक्षित नहीं रहता अब यह जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा कि इफ द पुअर हैड नोन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन नो वन वुड हैव रिमेन्ड अनएजुकेटेड अगर पुअर को यानी गरीब लोगों को क्या पता होती एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होती तो नो वन यानी कोई भी नहीं होता रिमेंड अनएजुकेटेड यानी कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहता इस सेंटेंस को दोबारा ध्यान दीजिए कि इफ द द हैड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन नो वन वुड अनएजुकेटेड इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि नो वन वुड हैड अनएजुकेटेड इफ द पुअर हैड नोन द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि अगर वह उसके इरादों को जान जाती तो वह उससे कभी प्यार नहीं करती सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा इफ सी हैड नोन हिज इंटेंशंस सी वुड हैव नेवर सॉरी शी वुड नेवर हैव लव्ड हिम दोबारा सुनिए सेंटेंस को इफ सी हैड नोन हिज इंटेंस सी वुड नेवर हैव लव्ड हिम इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि सी वुड नेवर हैव लव्ड हिम इफ सी हैड नोन हिज इंटेंशंस थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपका फोर्थ देखिए कि अगर मैं संविधान विरोधियों को पहचान जाता तो मैं कभी उनका समर्थन नहीं करता तो फोर्थ सेंटेंस है इसका इंग्लिश में क्या बनेगा कि इफ आई हैड रिकग्नाइज द अपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई वुड नेवर हैव सपोर्टेड देम इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि आई वुड नेवर हैव सपोर्टेड डैम इफ आई हैड रिक्नाइज द अपोनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए अगर मैं अंबेडकर जी के विचारों को अपना लेता तो मैं शिखर पर होता या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैंने अंबेडकर जी के विचारों को अपना लिया होता तो मैं शिखर पर होता अब सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा कि इफ आई हैड अडोप्टेड अंबेडकर आई वुड हैव बीन ऑन द टॉप इसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि आई वुड हैव बीन ऑन द टॉप इफ आई हैड अडोप्टेड अंबेडकर नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर तुमने अपने बच्चों को अंबेडकर जी का सच्चा इतिहास बताया होता तो आज तुम्हारे बच्चे इतिहास लिख चुके होते यह सेंटेंस है इसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि अगर तुमने अपने बच्चों को अंबेडकर जी का सच्चा इतिहास बता दिया होता तो आज तुम्हारे बच्चे इतिहास लिख चुके होते इंग्लिश में सेंटेंस क्या है कि इफ यू हैड टोल्ड योर चिल्ड्रन अंबेडकर ट्रू हिस्ट्री टुडे योर चिल्ड्रन वुड हैव रिटर्न हिस्ट्री तो ये सेंटेंस था इसी सेंटेंस को आप एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि इफ यू हैड टोल्ड योर चिल्ड्रन अंबेडकर ट्रू हिस्ट्री टूडे योर चिल्ड्रन वुड हैव रिटर्न हिस्ट्री और आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि टुडे योर चिल्ड्रन वुड हैव रिटर्न हिस्ट्री इफ यू हैड टोल्ड योर चिल्ड्रन अंबेडकर ट्रू हिस्ट्री इसी टाइप का एक नेक्स्ट सेवेंथ नंबर का सेंटेंस है कि अगर तुमने संघर्ष करने वालों का इतिहास जान लिया होता तो तुम संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे कि इफ यू हैड नोन द हिस्ट्री ऑफ दोज स्ट्रगल्ड, यू वुड नेवर हैव बैक डाउन फ्रॉम स्ट्रगलिंग ये सेंटेंस इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि यू वुड नेवर हैव बैक डाउन फ्रॉम स्ट्रगलिंग इफ यू हैड नोन द हिस्ट्री ऑफ दोज हुगल्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर तुम अच्छाइयों को अपनाते और बुराइयों को त्यागते अगर तुम अच्छाइयों को अपनाते और बुराइयों को त्यागते तो तुम एक महान व्यक्ति बन जाते इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बनाओगे कि इफ यू हैड अडोप्टेड द गुड एंड रिनाउंस्ड द एवल्स यू वुड हैव बिकम अ ग्रेट पर्सन इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि यू वुड हैव बिकम अ ग्रेट पर्सन इफ यू हैड अडोप्टेड द गुड एंड रिनाउंड एवल्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हमारे देश के शक्तिशाली लोग सच्चे लोगों का साथ देते चाहे वे किसी भी जाति धर्म या समुदाय के हों तो आज हमारा देश विश्व में और अधिक महान देश बन जाता अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे कि इफ द पावरफुल पीपल ऑफ आर कंट्री हैड सपोर्टेड द ट्रू पीपल ऑफ़ एनी रिलीजियन कास्ट और कम्युनिटी टुडे आर कंट्री वुड हैव बिकम अ मोर ग्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड और आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि टुडे आर कंट्री वुड अ मोर ग्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड इफ द पावरफुल पीपल ऑफ आर कंट्री हैड सपोर्टेड टू पीपुल इिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियन कास्ट और कम्यूनिटी अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल कि अगर मनुष्य ने अच्छे विचारों को धारण किया होता तो आज मानवता शर्मिंदा नहीं होती तो एग्जाम्पल इंग्लिश में क्या बनेगा कि इफ मैन हैड इम्बाइब सॉरी इफ मैन हैड इम्बाइब्ड इम्बाइब्ड यानी कि धारण करना इफ मैन हैड इम्बाइब्ड गुड आइडियाज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव बीन अशेम्ब टूडे ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव बीन अशेम्ब टूडे तो इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हो कि ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव बीन अशेम्ब टूडे इफ मैन हैड इम्बाइब्ड गुड आइडियाज इफ मैन हैड इम्बाइब्ड गुड आइडियाज तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ये एग्जाम्पल्स इस रूल के अकॉर्डिंग रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग थे अब आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में मैं पांच सेंटेंसेस बोल रहा हूँ बोर्ड में जगह नहीं बची थी इसलिए बोल के बता रहा हूँ इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इनको खुद बनाइएगा और प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा मुझे मैं आपको आंसर बताऊँगा तो फर्स्ट सेंटेंस नोट कीजिए फर्स्ट सेंटेंस है अगर उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाती अगर उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाती यह फर्स्ट सेंटेंस दूसरा सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए अगर तुमने अगर तुमने मुझे सूचित किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर तुम मुझे सूचित करते तो मैं तुम्हारी मदद करता यह सेकंड सेंटेंस हो गया थर्ड सेंटेंस है अगर आप समय पर आते अगर आप समय पर आते तो हम आपको अपने साथ ले जाते तीन सेंटेंस हो गए चौथा सेंटेंस लिखिएगा कि अगर असमत ने मुझे कोई उपहार दिया होता असमत नेम ऑफ द गर्ल, अगर असमत ने मुझे कोई उपहार दिया होता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता ये फोर सेंटेंस हो गए आपके सामने फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है कि अगर मुझे समाज का इतिहास अगर मुझे अपने समाज का इतिहास पता होता तो मैं अपने जीवन में सफल होता तो ये पांच सेंटेंसेज हैं इन पांच सेंटेंसेज की प्रैक्टिस कीजिए और इन इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग आई होप आपको रूल नंबर थ्री बहुत अच्छे से समझ में आया होगा Thanks, thanks for watching this video.